पतला होना चाहिए बहुत अच्छा सा। मतलब जो हाजी बाजी दसन थे वो नहीं चाह रहे? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा उन्होंने। क्या क्या कुछ भी नहीं किया उन्होंने। शादी घर उन्होंने नहीं बनाया। अच्छा। और भाई जैसे कि भाई गरीब गुरबा लोग हैं उनको उन्होंने नहीं देखा। और अपने नाम के लिए वो कहीं कहीं को सामान बांट के चले जाते हैं और उनके जाके देखना चाहिए जिनको ज्यादा मजबूर है लोग। अच्छा, जो गरीब लोग हैं उनके पास नहीं जाते, अपना वैसे ही बांट देते हैं। हाँ, वैसे ही बांट देते हैं। वो तो उसमें क्या शर्म की बात है, जो है वो तो है। हेलो गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी वे वाजिद के साथ में आप सभी लोगों का खैर मकदम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टार न्यूज 786 में। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने प्रोग्राम की शुरुआत की है चुनावी माहौल जनता के बीच में और हम कवर कर रहे हैं बाजार को। तो आज हम बाजार में आए हैं। हजरत जी की एक मार्केट है जो कि बहुत फेमस मार्केट है। यहाँ पर लेडीज की ज्यादातर शॉपिंग्स की सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो हम यहीं के लोगों से आज बात करेंगे, कस्टमर्स भी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। तो चलते हैं, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद अतीक, अतीक भाई क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल कैसा लगा? चुनावी माहौल तो वही चल रहा है जो हर बार चल रहा है। कोई भी ऐसे तीन या चार लोग ऐसे कौन होंगे जो फाइट करेंगे? फाइट तो जिससे रहेगी इंशाल्लाह हाजी बबले से रहेगी जी। हाजी बबले से रहेगी, क्यों ऐसा लगता है उनसे ही फाइट रहेगी? बस अच्छे लीडर वही है, अच्छे नेता भी वही है, अच्छे चेयरमैन कांदले के भावी चेयरमैन भी वही है, काम करवाने के लिए भी। तो इसलिए हर काम में खड़े उतर रहे हैं वो, इसीलिए उनसे फाइट रहेगी सबकी, उनसे फाइट रहेगी सबकी। पहले नंबर पे आप उन्हें मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मुसव्वीर मुसव्वीर भाई क्या लग रहा है आपको चुनावी माहौल इस बार कांदला का? बढ़िया होगा जी, और क्या। कौन ऐसे दो या तीन लोग या चार लोग आपकी नजर में वो जो फाइट करेंगे? मजे ले रहे हैं सब, फाइट में ही है अभी तो फिलहाल, जो भी आ रहा सब जीत ही रहे। कोई भी तीन नाम बता सकते हो जो फाइटिंग में हो? नाम टफ है भाई, अब के इलेक्शन थोड़ा इसलिए। तो टफ में कौन कौन तीन ऐसे होंगे फिलहाल? तो भाई चेयरमैन साहब ही है, मौजूदा बबला है, नजम है और नरेश जी है। इन तीन के बीच टक्कर है? तीन ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे चलते हैं। ये यहाँ पर हमारे अब्बा बैठे हैं, सबसे पहले इनसे बात करेंगे। क्या नाम है बाप का? इबादुल्लाह। क्या लगता है आपको कि इस बार चुनावी माहौल कैसा है कांदला का? यहाँ का बहुत तो ठीक है जी, अब तक तो अभी तो किसी की तरफ कोई याद है नहीं भाई, कौन है कौन नहीं। तो आपको कौन ऐसे तीन चेहरे लग रहे हैं जिनमें फाइट होगी? फाइट तो एक तो नजम है जी। अच्छा जी। और एक बबला है। अच्छा जी। और एक नरेश है। इन तीन में फाइट हो सकती है? इन तीन में होगी, जो भी होगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, आप इधर भी आते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा मुन्ना कुरैशी नाम है जी। क्या लग रहा है कुरैशी साहब इस बार? देखो इस बार जो है जनता कस्बे की बदलाव चाह रही बहुत। तो कौन सा ऐसा चेहरा है, तीन चेहरों के नाम बताओ बदलाव वाले। तीन चेहरे इस टाइम जो दिख रहे हैं मुझे, मेरा अपना नजरिया है कि देखो पहले नंबर पे तो है, मैं सलीम कुरैशी को बोर्ड सपोर्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, अच्छा। अगर मैं एक बार नहीं उठते तो उसके बाद बाबू फैसल और नरेश सैनी के अंदर तीन में है मेरा इरादा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। भैया आप क्या लग रहा है सैनी साहब आपको इस बार? इस बार तो बस फाइट ही है वैसे तो। किस किस में है? हाजी बबले में और यहाँ पर नरेश सैनी में, इन दोनों में फाइट है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अभी कपड़े की शॉप है, अब तक मैं तीन चार कपड़े की शॉप देख चुका हूँ। लेडीज शॉप में मैं बहुत कम घुसता हूँ वैसे तो, लेकिन गुरुजी के तहत मैं घुस रहा हूँ, यहीं से बात कर लूंगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। मोहसिन भाई क्या लग रहा है कांदला के चुनाव को लेकर इस बार? भैया विशाल तो वैसे तो यहाँ पे हाजी बबले का ही रुतबा लग रहा है। अच्छा जी, तो फाइटिंग में है इस बार इंशाल्लाह? तो पूरा पूरा यकीन है आपको इस बार भी आएंगे इंशाल्लाह? पिछली बार भी हाजी बबले के सपोर्ट करे, इस साल भी, इस बार भी होगा, इस बार भी उन्हीं की सपोर्ट करेंगे। लोग कहते हैं कि कुछ काम नहीं कराया, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो जो मार्केटिंग का काम है वैसे काम है, हाजी बबले कराते हैं, ऐसी बात नहीं कराते हैं। हाँ, बाईपास भी बनाया उन्होंने। अच्छा जी जी, तो आप उन्हीं के सपोर्टर रहेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अंकल जी की दुकान पे, ये चावल की शॉप है, यहाँ पर चावल मिलते हैं और मैं यहाँ पर बैठ कर ही बात करूंगा। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम सुरेश चंद है जी। सुरेश चंद जी, हाँ, क्या लग रहा है आपको अंकल जी इस बार कौन चुनाव में कांदला के बने रहने वाला है? म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में जी, चेयरमैन के? भाई बात यह है इस वक्त तो जो है मियां फैजी का लड़का जो है मुसलमानों में सबसे ज्यादा ये अच्छा लड़का है। अच्छा जी, और देखो जी और कोई मतलब मैं कह नहीं सकता किसी के बारे में क्या होगा जी, तो सब पैसे की खेल है जी। पैसे का चुनाव है कांदला का? पहले का पैसे का चुनाव है जी। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आपसे। फिर आ गए हम कपड़े की शॉप पे, लगातार कपड़े की शॉप ज्यादा मिल रही है कांदला के अंदर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम है। तस्लीम भाई क्या लग रहा है माहौल कांदला का? माहौल तो यह है जी, पूरी गर्माहट चल रही,
अच्छा तो किसकी तरफ जाने वाला है भैया? नहीं बतला सकते जी, अभी अभी माहौल देखेंगे, जो जीतता हुआ दिखेगा उसको दे देंगे। कोई भी तीन तीन चेहरों के नाम बताओ कि ये लग रहा है कि इनकी तरफ जाएगी पब्लिक आखिरी में, इनमें से किसी एक की तरफ चली जाएगी। एक तो पहले नंबर पे अज्जी बबला है, अच्छा, दूसरे पे नरेश नेता है, अच्छा जी, और तीसरे पे मोवीर नाणा है। इन तीनों में से किसी की तरफ चली जाएगी, किसी भी चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, आगे चलते हैं। और ये लगातार कपड़े की शॉप है यहाँ पर कांदला के अंदर, और एक और कपड़े की शॉप पे मैं आ गया हूँ। क्या नाम है भैया आपका? फैजान, फैजान सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब क्या लग रहा है आपको इस बार कांदला का चुनाव? देखो जी, जो विकास कराया कांदला में, हम उसको वोट देंगे विकास के नाम पर। तो बदलाव चाह रहे हैं या वही विकास करेंगे जो थे पहले? देखो ये तो कह नहीं सकता। अच्छा, ये इधर मैडम भी बैठी हैं, इनसे पूछते हैं क्या क्या लग रहा है आपको आंटी? बदलाव होना चाहिए बहुत अच्छा सा। मतलब जो हाजी बाजी दसन थे वो नहीं चाह रहे? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा उन्होंने। क्या क्या कुछ भी नहीं किया उन्होंने? शादी घर उन्होंने नहीं बनाया। अच्छा। और भाई जैसे कि भाई गरीब गुरबा लोग हैं उनको उन्होंने नहीं देखा, और अपने नाम के लिए वो कहीं कहीं को सामान बांट के चले जाते हैं, और उनके जाके देखना चाहिए जिनको ज्यादा मजबूर है लोग। अच्छा, जो गरीब लोग हैं उनके पास नहीं जाते, अपना वैसे ही बांट देते हैं। हाँ, वैसे ही बांट देते हैं, वो तो उसमें क्या शर्म की बात है, जो है वो तो है। तो आप किसको इस बार चाह रहे हैं कि कौन आवे? आए तो चाहे जो, उस बात की तो हमें परवाह नहीं है, लेकिन विकास तो होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो जो पहले थे वो नहीं आने चाहिए, आप चाह रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें ये मानिए उनसे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विकास होना चाहिए। तो विकास हुआ नहीं 10 साल में, आप नहीं, कह कुछ रहे हैं? नहीं हुआ। तो आप बदलाव चाह रहे हैं? आप भी बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की हमसे। चलिए आगे चलते हैं। अब काफी कपड़े की शॉप है कांदला में, एक और शॉप मिल गई। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं सबसे पहले इनसे बात करूंगा, ये बड़े भाई हैं इनके। क्या नाम है भैया आपका? साजिद अंसारी। अंसारी साहब क्या लग रहा है इस बार कांदला के चेयरमैन के इलेक्शन को लेके? अभी तो ऐसे चल रहा जी। कोई भी तीन ऐसे लोगों के नाम बताइए जो आखिरी तक टिके रहेंगे मैदान में। मैं जो मौजूदा चेयरमैन हूं वो तो बाकी तक टिके रहे ही है जी। और भाई अगर और भी काफी चेहरे हैं जिनमें फाइट हो रही है, वो लग रहा है कि ये लोग जीत सकते हैं, लास्ट में लोग एक पड़ाव बनता है कि उनको वोट दे देंगे एक भी किसी आदमी को, वो तीन ऐसे नाम बताइए। भाई नरेश जी तो हमेशा फाइट में रहे हैं जी, कभी 200 वोट से हार जावे। हाँ जी, नहीं तो फाइट में तो हमेशा रहे हैं। पिछली बार फैसल साहब भी फाइट में थे, बिल्कुल, लेकिन अब देखो जनता क्या करेगी। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि फाइटिंग में इस बार भाई एक बार डिक्लेयर हो जाए लोग, पूरे पूरे फील्ड में तो नहीं आ रहे अभी, बहुत सारे पीछे हैं भाई, राणा जी भी हैं, अंसारी जी भी हैं, नजमुल हसन साहब भी हैं। तो जो आपकी बिरादरी से उठ रहे हैं अंसारी साहब, उनका उनके बारे में आप दो शब्द क्या कहेंगे? भाई वो काफी मेहनत कर रहे हैं 5 साल से अपनी दावेदारी, और मेहनत में पेश कर रहे हैं भाई, बाकी तो जनता के ऊपर है जी। हम क्या वो सारी जनता उनके साथ जुड़ी हुई रहेगी इस बार? बिरादरी बहुत काफी दूर दूर तक है। अच्छा। अब वो कहां कितनी तक जोड़ पावे उनके ऊपर है डिपेंड करना, क्योंकि बिरादरी या जनता हर एक किसी के साथ जुड़ जावे। बिल्कुल, वो तो जैसे वो मेहनत करे ना ऐसे ही जुड़ जावे मेरे तो। अच्छा, तो वो मेहनत करेंगे तो उनके साथ बिरादरी जुड़ जाएगी, अभी तक जुड़ी नहीं है मतलब? भाई काफी लोग हैं उनके साथ, उनके हैं भी काफी लोग, और फिर रोजाना प्रोग्राम भी ले रहे हैं। कल भी उन्होंने किसी को नेता को रफीक अंसारी साहब मेरठ विधायक आए हुए थे। अच्छा, प्रोग्राम हुआ वहां पे भी काफी लोग थे। बाकी असल तो चुनाव जैसे बिल्कुल बच जाएगा, बिल्कुल सारा का सारा क्लियर तो तब होगा जी, कौन जनता किस जनता कैसे किसको चाहती है क्या, और कितनी अपनी बात पेश कर पाता है कोई आदमी। भैया अपना मैं क्या करूंगा, कैसा रहूंगा तुम्हारे साथ, क्या तुमसे तवक्को रखूंगा, और मैं आपको क्या दे सकता हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करके, बहुत अच्छा लगा आपसे, धन्यवाद। चलिए जी, मिल गई है मुझे लगातार कपड़े की ज्यादा शॉप है कांदला के अंदर, ये भाई खड़े हैं, सबसे पहले इनसे बात करूंगा। क्या नाम है भैया तुम्हारा? जी मोनिश। मोनिश भाई क्या लग रहा है इस बार कांदला में चुनाव को लेकर? जी अब तो हमने इसके बबले और नरेश के बीच में लग रहा है, बबले और नरेश के बीच में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको क्या लग रहा है भैया? जी बबले को नरेश के बीच में लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? हमारे हिसाब से भी ये, हमें इतनी नॉलेज तो है नहीं इतने बारे में, तो इनके दोनों के बीच में ही रहेगा इलेक्शन तो। जी आइए इधर, एक भैया और बैठे हैं। भैया तुम्हें क्या लग रहा है? इन्हीं के बीच में है ये। किस किस के? नरेश सैनी। अच्छा, हज्जी बबला। ये बहुत बहुत शुक्रिया, आगे चलते हैं। क्या लग रहा है भैया इस बार कांदला का चुनाव? कांदला चुनाव रोमांचक होगा। रोमांचक होगा, किस किस के बीच में फाइट होगी? फाइट होगी जी मियां फैजी के लड़के के। अच्छा जी। नरेश सैनिक है। अच्छा जी। और आपका फैसल बाबू के। इन तीन लोगों के बीच में फाइट होने वाली है इस बार जी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पुनीत है। पुनीत भाई बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपका दिखाओ भैया कि यहाँ पर ये सामान मिलता है कॉस्मेटिक्स वगैरह का, बहुत सारा सामान इनके पास में अवेलेबल है। क्या नाम है भैया आपका? अंकित जैन। भैया जैन साहब क्या लग रहा है चुनावी माहौल कांदला का इस बार? चुनावी माहौल
ठीक है जी। अभी माहौल तो कैंडिडेट सारे फाइनल हो जाएं जब भी पता चलेगा जी। सभी जो चेहरे नजर आ रहे हैं उनमें तीन ऐसे लोग कौन है जो लगता है कि फाइट करेंगे आखिरी तक? आखिरी तक फाइट जी, एक तो मोविंद राणा है जी, अच्छा जी, और बबलेस, अच्छा जी, और नरेश सैनी, इन तीन में फाइटिंग रहेगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। भैया बैठे हैं फ्रंट पे ही, तो इनसे बात करो। क्या नाम है भैया आपका? अतुल जैन। जैन साहब, क्या लग रहा है चुनावी माहौल कहां लगा इस बार? चुनावी माहौल तो ये है, ये लग रहे जी हैं मियां फैजी के लड़के, मियां फैजी के लड़के लग रहे हैं। तो बदलाव चाह रहे हैं इस बार कांदलावासी? हाँ चाह रहे जी। क्या ऐसा हुआ कि बदलाव चाह रहे हैं? बस बदलना चाह रहे, बहुत साल हो ली। कुछ काम वाम हुआ या नहीं हुआ? काम तो चल ही रहा चल ही रहा है, फिर भी बदलाव चाहते हैं। चलिए इधर आते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा विनीत जैन। जैन साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? हमें तो ये अजी सलाम लग रहा है। अजी सलाम जी लग रहे हैं, वो तो दो बार पहले भी चेयरमैन बन चुके हैं। इस बार और अब की फिर लग रहे हैं, फिर मौका देना चाहते हैं उनको? नहीं, हम क्या देना चाहेंगे, लोग बाग दे रहे हमें क्या। अच्छा लग रहा है कैसा होकर वो आएंगे फिर? हमें तो अब की इलेक्शन ही दो में लग रहा। किस किस में? एक तो अजी सलाम में जी, और एक लड़का वो दीपक सैनी है। दीपक सैनी में जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अंदर आइए अंकल जी, और बैठे इधर से कैमरा लाइए फ्रंट से, यहाँ पे बैठ जाता हूँ मैं। क्या नाम अंकल जी आपका? सुरेश चंद। क्या लग रहा है जी आपको सुरेश जी? मतलब दो बार इलेक्शन लग रहा है जी, इस्लाम का लड़के और नरेश में, इन दो में इलेक्शन लग रहा है। बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट उठ रहे हैं, अगर ये बट गए सारे एक साथ जैसे जैसे लोग उठ रहे हैं, इस नरेश हो सकता है, नरेश हो सकता है। अगर नरेश जी हो जाएंगे विकास होगा कुछ अच्छा पहले से? देखो पहले से तो अच्छा होगा, इतना तो कुछ करा नहीं, 10 साल में कुछ नहीं किया आजू बाजू दस, तो बदलाव चाहिए आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सीधी बात है जी जी जी, कोई भी हो जाए जीतेगा भाई, वगैरह एक कुछ दिन हो एक कुछ दे तेरा, सारे इस तली के चट्टे बच्चे हैं। गवर्नमेंट वोट इतनी है, हिंदुओं को वोट बहुत कम है, इसलिए चार हिंदुओं का कम रहते हैं। अच्छा जी, तो लेकिन इस बार नरेश जी तो मुस्लिम लोगों में भी काम कर रहे हैं। हाँ, तो लग रहा है कि मुस्लिम खरा उतर जाएगा? देखो फिलहाल तो यह बाकी आगे इनका दीन का नारा ना लगा, तो दीन के नारे में भटक जाता है मामला भाई। आखिर में लड़ाई हुई हो, हमें पिछले समय 400 वोट आ रहा था नरेश। हाँ जी, उससे पहले 200 से आ रहे थे। हाँ, तो 100, 200, 400 से हारते हैं हमेशा। नहीं, 500, 700 से भी हार लिए के, बाकी अब दो इलेक्शन से ऐसा ही हो रहा। तो इस बार लग रहा है उम्मीद है कुछ? देखो कुछ टिकट के ऊपर है, किसे मिले टिकट? अगर मिंटू भाई को टिकट हो गया फिर किसे सपोर्ट करोगे? मिंटू को, गोयल जी को, गोयल जी को उत्तर नहीं ज्यादा लेगा यार। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। क्या नाम है आपका? राशिद। राशिद भाई, क्या लग रहा है चुनावी माहौल कांदला में? बड़े भाई मैं नरेश जैसे है भाई। नरेश जसरा है? हाँ जी। नरेश जी के साथ टक्कर कौन लेगा इस बार? बबला ही लेगा भाई, बबला सर। दो लोगों में फाइटिंग लग रही है, बस दो ही है, वो सब बेकार है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। भैया आप कुछ बताएंगे, क्या नाम है? जिस तरह भाई ने बताया, मोहम्मद नसीम कांदला। आपको भी दो लोगों में फाइट लग रही है? हाँ जी, दोनों में है। किस किस में? हर बार नरेश में। दो दिन पहले जब रुपए बटेंगे तो सारा माहौल एक तरफ हो जाएगा, बिना रुपयों के चेयरमैन का इलेक्शन कोई नहीं जीत सकता। एक दिन पहले, दो दिन पहले रात को सब रुपए बट जा और सब बिक जा, और लड़कियों का माहौल एक तरफ रह जा रहा था। बाबूजी सबसे ज्यादा जो है, जो पैसे ज्यादा वो जीतते। तो पैसे की राजनीति होती है, पैसे का है, इलेक्शन ही पैसे का है, राजनीति हर जगह, हर जगह। ये जो 5 करोड़ रुपए कमावेगा साल, 5 साल में वो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए बांट देगा। इसीलिए तो चेयरमैन बनते हैं लगातार। कौन सा आदमी बढ़िया है? एक भी आदमी बढ़िया नहीं। जो बढ़िया है, एक कैंडिडेट बढ़िया है, उसे कोई बात भी नहीं करने का, उसे धमका देगा। बदमाश जोरदार जीदार जो होगा, रुपए बांटने वाला होगा, वो जीतेगा इलेक्शन। शरीफ आदमी का माहौल नहीं कांदला में, कहीं दुनिया में शरीफ का काम ही नहीं है। कांदला की तो बहुत तारीफ सुनी है, बहुत एकता, बहुत मोहब्बत। मानना जब कभी बढ़िया थे, दो पार्टियां हुआ करती थी, अब तो रुम्मू झुम्मू हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत अच्छी बात करी। यहाँ पर एक टेलर की शॉप भी मिल गई है मुझे, ये हमारे भाई हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद असगर। असगर भाई, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल कांदला का? अभी क्या बता सकते हैं चुनाव में, कोई भी तीन लोगों के ऐसे बताइए जो फाइटिंग करेंगे भाई। पहले में तो ये है, क्या नाम, चौधरी बबला जी, और नरेश सैनी, अच्छा जी, और आपका नजम, ये तीन लोगों के बीच फाइट होने वाली है जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आपसे। चलिए आगे चलते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद साबिर है भाई। साबिर भाई, क्या लग रहा है चुनावी माहौल कांदला का इस बार? भाई कह नहीं सकते, हमें इस बारे में कांदला के रहने वाले हैं आप?
हाँ जी है। तो आपका क्या प्लान बन रहा है इस बार, किसको लाने वाले हैं? अभी तो बहुत टाइम लगेगा, अभी क्या पता लगेगा। कोई तीन ऐसे चेहरे बताइए जो लग रहा है कि ये फाइट करेंगे आखिरी तक। तो ये है यहाँ बाजार में, क्या नाम इनका, नाम तो पता नहीं। मैं फिजिक के लड़के जी। अच्छा, एक बबला है, एक चेयरमैन बताया है, इस्लाम हाजी इस्लाम, तीन है, एक नरेश चेयरमैन है। चार लोगों के बीच फाइट रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, चलिए आगे चलते हैं। बड़ी शॉप है, बहुत ही बड़ी शॉप है बर्तन की, और ये यहाँ पर इसके ओनर हैं, इनसे मैं बात करूंगा सीधा। क्या नाम है भैया आपका? सचिन कुमार जी। जैन साहब, क्या लग रहा है चुनावी माहौल कहाँ लगा इस बार? नहीं मॉल तो ठीक है, फूल पे लगा। फूल भाई फूल पे जाएगी, वो कहाँ जाएगी? फूल पे जाएगी, बिल्कुल फूल जाएगी। अगर नरेश जी को हुआ तो नरेश जी पे जाएगी, अगर इनको हुआ गोयल जी को तो गोयल जी पे जाएगी। नरेश जी को चाहे फूल का हो या ना हो, नरेश जी को, नरेश जी को फूल का जगह, फूल को नरेश सुनने में आ रहा है, नरेश जी को नहीं गोयल जी को होने वाला है। नरेश चेयरमैन जी को जाएगी आपकी। इधर आते हैं भैया की तरफ, फूल को जाएगी। फूल को, क्या नाम है तुम्हारा भैया? सुधीर। सुधीर भाई, किसको जाएगी वोट? फूल को। फूल को जाएगी, फूल बताओ भैया। फूल को। इधर आते हैं, क्या नाम है आपका? नरेश चंद। क्या लग रहा है किसको दोगे वोट? फूल को जाएगी। फूल को दोगे? बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, आगे चलते हैं। कांदला की राजनीति चेयरमैन के हाथ में होती है कस्बे की, तो हम ये पूछ रहे हैं कि कांदला के अंदर जो चेयरमैन मौजूद है उन्होंने काम किया या नहीं किया, या वो ही आने चाहिए चेयरमैन में, दूसरे आने चाहिए, कौन चेहरा होना चाहिए? आप बताइए अंकल जी, क्या नाम है आपका? आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, जो विकास कर सके कांदला का जो है वो आना चाहिए, आना चाहिए जो कांदला का विकास कर सके। 10 साल में कोई विकास नहीं हो पाया, कोई विकास नहीं हुआ, तो कोई नया चेहरा इस बार चाह रहे हैं? नया चेहरा आना चाहिए जो कांदला का विकास कर सके, कस्बे का विकास कर सके। तुम आ जाओ, नया चेहरा तुम आ जाओ। जी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, तो नया चेहरा तुम आ जाओ। बहुत अच्छा लगा आंटी जी आपसे बात करके, आपसे एक और शॉप है यहाँ पर, कपड़े की ही शॉप है, और सीधा इनसे भैया से बात करेंगे। क्या नाम है भैया जी आपका? अंशुल। अंशुल भाई, क्या लग रहा है चुनावी माहौल कहाँ लगा इस बार? चेयरमैन जी, चेयरमैन में तो अपने पुराने बुबले भाई, उनके साथ टक्कर किसकी होगी? ऐसे तो बहुत लोग नहीं, उनकी जो सामने सेकंड नंबर पे रहते हैं वो तो नरेश ही रहते हैं हमेशा, क्या इस बार उनका चांस बन सकता है? हो सकता है, हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर एक और कपड़े की शॉप है, क्या नाम है भैया आपका? तस्लीम। क्या लग रहा है भाई चुनावी माहौल काम लगा? चुनावी माहौल तो जो है जो काम कराएगा उसे देंगे वोट। तो जो 10 साल में थे उन्होंने कुछ काम कराया नहीं? कस्बे में कुछ हुआ नहीं, वैसे बदलाव चाहते हैं आप भी? हाँ जी। तो कोई बदलाव वाले तीन ऐसे चेहरों को कोई कर दो, मद्दी बबला कर दो, कोई कर दो, बदलाव चाहिए, जो काम करेगा उसे मिलेगा। इस बार जो पहले चेहरे हैं उनको नहीं? नहीं, पहले वालों को भी दे देंगे अगर मैं काम कराऊंगा, कुछ वादे करें, बहुत सारी चीजें कस्बे में। वादे तो हमेशा से करते हैं वो, देखो सभी वादे करेंगे इस बार तो कराना आपका पड़ेगा। विचार क्या लग रहा है आपको? विचार तो ये जो काम कराएगा उसे मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं, चूड़ी की शॉप है, बैंगल्स वगैरह की शॉप है, भैया यहाँ बैठे हैं। क्या नाम है भैया तुम्हारा? शादाब। शादाब भाई, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल का अंदाजा? कुछ भी हो सकता है। कोई भी तीन ऐसे चेहरों के नाम बताइए जो फाइटिंग में हो। बबला, नरेश और तीसरे का कुछ कह नहीं सकते कौन हो सकता है। बबला और नरेश के दो के बीच। हाँ, दो के बीच होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, चलिए आगे चलते हैं। भैया आप कांदले के हो? राजपुर गढ़ी के। राजपुर गढ़ी के हो, आगे चलते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? धीरेंद्र जैन। जैन साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल कांदला का? अभी तो कुछ उठा नहीं, जब तक जाए उम्मीदवार ना है, जब तक आप उम्मीद बताओ। जो ये 4-5 लोग लग रहे हैं कि खड़े ही होंगे, इनमें से कोई कौन से तीन नाम ऐसे हैं जो फाइटिंग करेंगे? फाइटिंग तो जो है जो पूर्व चेयरमैन है वो कर सके। अच्छा जी। और ये जो है सैनी है, क्या नाम है उसका? नरेश सैनी। नरेश सैनी है। अच्छा, फाइट तो इन दोनों में चले, बस इन दोनों में फाइट चलेगी। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद शहद। क्या लग रहा है? बस जो अंकल जी ने बताया वही है। आप बताओ अपने मुँह से राय। यही है, नरेश सैनी है, फौजी नजमी साहब है, ये हमारे दिल्ली में हो सकता है, इन दोनों में फाइट होती है, इन दोनों में फाइट होती है। चलिए आगे चलते हैं। इधर से गुलशन अवर। गुलशन अवर साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल कांदला का? चुनावी माहौल तो बहुत अच्छा है, सब मिलजुल के वोट डाल लेंगे। किसको इस बार चुनने वाले हो? अभी तो सब भावी उम्मीदवार हो रहे हैं जी। कोई भी तीन लोगों के नाम बताओ लग रहा है कि ये फाइटिंग में है। अभी तो आज ही वो बबला है ये। हाँ जी। और नरेश चंद सैनी है। अच्छा जी। और नजमुल इस्लाम है और फैसल वेद हैं। इन चार में फाइट लग रही है। हाँ, चार में फाइट लग रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, चलिए आगे चलते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद कामिल।
कामिल भाई, क्या लग रहा है चुनावी माहौल कांदला का इस बार? चुनावी माहौल बहुत बढ़िया है, आपका मजा आएगा। कौन ऐसे कैंडिडेट हैं दो या तीन जो फाइट करेंगे? फाइट में तो तीन ही है फिलहाल। कौन कौन है सर? एक तो हमारे हजी बबला, एक नरेश सैनी और नजमुल। इन तीन में फाइट रहेगी। भैया आपका क्या नाम है? आपको क्या लगता है क्या नाम है आपका? शौकीन भाई, क्या लग रहा है इस बार? मुझे तो सर्दी से लग रही है। सर्दी लग रही? सर्दी में अच्छा वोट डालने भी जाना पड़ेगा, तो किसको डालने जाओगे? जिसकी किस्मत की होगी उसको डाल देंगे। किस्मत में तो चलो लिखा है, जो होगा वो होगा, किसी को नहीं पता फ्यूचर का। आप ही बताइए, तीन लोगों के ऐसे नाम बताइए जिनका चेहरा आपको लग रहा है कि ये फाइटिंग करेंगे। अजी बबले में, नरेश में लग रहा है मुझे तो। दो में लग रही है अजी बबले और नरेश में। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इधर ये कस्टमर भी है यहाँ पर इनके भाई, तो इनसे बात करते हैं। हाँ जी, दुकान के मालिक। अच्छा, दुकान के मालिक है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर कुरैशी। क्या लग रहा है कुरैशी साहब आपको इस बार? भाई सलीम जीत रहे जी। सलीम कुरैशी साहब जी, उन्होंने समर्थन दे दिया है। ये सब अफवाह है, भाई सलीम जीत रहे हैं, कोई आसपास भी नहीं है, इंशाल्लाह एक तरफा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ आते हैं कपड़े की एक और शॉप है, भैया खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? भाई मेरा मुदस्सिर नाम है। मुदस्सिर भाई, क्या लग रहा है चुनावी माहौल कांदला का इस बार? भाई वोट नहीं है अभी। घर में तो बात होती होगी किसको इस बार घर वाले? किसको? बाबू फैसल को। बाबू फैसल को। चलिए आगे चलते हैं, अगर वो मैदान में आएंगे तो कौन ऐसे तीन लोग होंगे जो फाइट करेंगे? एक तो जो चेयरमैन है अजी बबला जी, वही है जी। दूसरा फिर ये अपना चेयरमैन, ये जो हमेशा फाइट करता आया, क्या नाम है उसका? नरेश सैनी। अच्छा, ये और तीसरा एक और का नाम आ रहा है सामने, कौन से का? ये जो है जी, नहीं वे नहीं, जो यहाँ पे जो मस्जिद पे मकान है, हाँ नजमुल इस्लाम। इन तीन लोगों के बीच में फाइट है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप आगे भी लोगों के बीच में इनसे बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है भैया आपका? अनुज। अनुज भाई, क्या लग रहा है चुनावी माहौल कांदला का इस बार? बड़ा अच्छा है भैया। कोई तीन लोगों के नाम बताओ के लग रहा है कि फाइटिंग करेंगे? नरेश नेता। अच्छा जी, फैसल बाबू। अच्छा जी, और फैजुल इस्लाम। इन तीन लोगों में फाइटिंग होने वाली है। बहुत बढ़िया वाली। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चलिए आगे भी लोगों का माहौल जानते हैं। अंकल जी मिल गए हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? आदेश कुमार जैन। जैन साहब, क्या लग रहा है इस बार आपको चुनावी माहौल कांदला का? देखो जी, पुरानी परिपाटी है, नरेश वाकई में चार योजना से नहीं हुआ। अच्छा जी। लेकिन अब क्या पूरे पूरे 101% चांस है। अच्छा जी। मैं खड़ा जाऊं शायद मुझे वोट ना मिले जी, घर के भी वोट ना दे जी, लेकिन नरेश की छवि वो है जो आज लो किसी अन्य चेयरमैन की नहीं हुई। तो गोयल जी स्पष्ट वक्ता है, स्पष्ट वक्ता है, निष्पक्ष बात कहने वाला है जी, और के बारे में मैं नहीं जानता। अगर सीधा सीधा जो टिकट बीजेपी अगर किसी दूसरे कैंडिडेट को देगी तो ये नुकसान तो सीधा सीधा फिर उनको ही होने वाला है। बीजेपी को होगा, बीजेपी को नुकसान होगा अगर नरेश के अलावा किसी और को देती है। गोयल जी को अगर टिकट होता है तो कुछ वोट क्या करेंगे? मैं गोयल को नहीं जानता, कौन गोयल की बात? मिंटू जी की? मैं मिंटू नहीं जानता, बाई फेस तो जान सकूं, नाम से नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप नरेश जी को लग रहा है कि इस बार पूरी सपोर्ट नरेश जी को है हमारे? सेकंड नंबर पे किसको मानते हैं? सेकंड नंबर पे तो अबला सा अबला यही आ सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अन्य कोई नहीं आना। अच्छा भाई, देखो पक्ष और विपक्ष जी दो ही होती है, तीन ना चार नंबर कोई नहीं होता है जी। अब क्या, अगर पहले नंबर पे बबला रहा, दूसरे नंबर पे नरेश रहा, अब क्या नरेश रह जाएगा? तो क्या लास्ट में आके दो घंटे में नरेश जी ने मेरे से बात करी थी जनता के बीच में मेरे चैनल पे, उन्होंने बोला कि लास्ट में आके दो घंटे में मैं चुनाव हार जाता हूँ, तो वो ऐसा कौन सा पड़ाव है वो दो घंटे में जो आता है? उसका कारण ये होता है, कुछ वोट ऐसी होती है जो बिक जाती है। अच्छा जी। रात में बिक गई जी, सुबह ही वो मतदान वहां करेंगे जी, जहां उन्हें करना है जी। अब के शायद संभव नहीं है, जो वोट बिक्री वाली है शायद में भी नरेश के पक्ष में ही जाए, बिकने वाली भी। आज उन्हें अंदाजा हो चुका कि नरेश ही हमारे काम आएगा, पांच साल गुड्डे तो तोड़ता है नरेश और वोट ले जाते हैं। बिल्कुल, अब के बिकने वाला प्रोसेशन नहीं चलेगा। और लोग बहुत भी लोग बड़े बड़े लोग आ रहे हैं सामने, राणा जी हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं मतलब हम भी इस बार तक टक्कर लेंगे पूरी पूरी। भाई देखो, राणा जी आओ, योगी जी आओ, मोस्ट वेलकम है। अब देखो, आम जनता वाला आदमी तो आम जनता में ही काम करेगा। देखो वे बड़े नेता हैं जी, उनकी छवि यहाँ काम नहीं करनी, वो आओ मोस्ट वेलकम है। लेकिन जो छवि नरेश की है, उनके नरेश के सामने उनकी नहीं बन पानी। ठीक है, वो आओ, सम्मान मिलेगा, नरेश भी सम्मान देंगे, हम भी सम्मान देंगे, पलकों पे बैठाएंगे उन्हें।
योनी भाई उन्हें जुत पारेंगे जी जी। भाई हमारे माननीय हैं जी, सत्ता पक्ष में हैं जी, अच्छे वर्कर हैं जी, लेकिन नरेश जैसा वर्कर होना असंभव है। कुछ लोगों का मानना ये है कि बीजेपी के अगर यहाँ पर भी आ गया कांधले के अंदर मुस्लिम बोली एरिया है तो परेशानी हो जाएगी मुस्लिम लोगों को, कोई परेशानी नहीं होती है। देखो अगर मेरा व्यवहार सरल है और सत्य है तो मुस्लिम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल, अगर मैं उन्हें कोई बात कहूंगा तो उन्हें बुरी लगेगी, वो मुझे कहेंगे तो मुझे बुरी लगेगी। तो कांधला के अंदर हिंदू मुस्लिम का प्यार कैसा है? कभी नहीं हुआ, प्यार मोहब्बत है सब में, पूरी प्यार मोहब्बत वो सदा रहेगी। मंदिर मस्जिद की दीवार एक है, इधर अजान होती है जी, इधर घंटा बजता है जी जी, कोई विवाद विवाद नहीं, कोई तरखेबाजी नहीं है, कोई तलकबाजी नहीं है। तो क्या नरेश जी अगर मुस्लिम समाज सपोर्ट करेगा थोड़ा बहुत तो जीत जाएंगे, अगर नहीं सपोर्ट करेगा तो भी जीत सकते हैं? नहीं, फिर असंभव। मुस्लिम समाज का सपोर्ट करना जरूरी, मिलना जरूरी है। इतनी वोट नहीं है हमारी जो किला हिंदू बल पे जीत के निकल जाए। मुस्लिम समाज तो हर बार ही कहता है कि हम वोट देंगे लेकिन देते नहीं है, तो क्या लगता है इस बार? देखो जी, अब इस बारे में तो ईश्वर ही जान सके वो कितनी सच्चाई बोत रहेंगे। मैं भी कह रहा नरेश को वोट दूंगा, शायद मैं बदल जाऊं, मैं अपने ऊपर भी कह रहा हूं उनके उसमें मैं भी आ गया, मैं भी आ गई, लेकिन एक सच्चा पक्ष तो नरेश ही है। लास्ट में आगे का धार्मिक मामला बन जाता है, कुछ नहीं बनता। वाले दिन यहाँ पर धर्म के ऊपर वोट देते हैं लोग, नहीं बनता। इनके यहाँ बन जाता हो मैं कह सकता, हमारे यहाँ तो बनता नहीं। अच्छा, यहाँ तो छवि देखते हैं किस नेता की छवि कैसी है, हमें यूं देख रहे कि कौन खड़ा जी। हमें तो मोदी देखने कि मोदी हैं या ऊपर योगी है जी। सामने आप खड़े हो जाओ तुम्हें वोट देनी, अगर टिकट तुम्हारा है जी। टिकट इस भाई का है तो उसे दे देंगे वोट, हमें तो कमल का फूल दिखाई देता है, कमल का फूल। फिर नरेश भी भूल जाए, कोई भी हो कमल का फूल दिखेगा, फिर तो कमल का फूल दिखेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात, हमें तो कमल के फूल से प्यार है, पहली वोट से आखिरी वोट तक कमल को ही देंगे, कमल को जितते आए। अच्छा, बीजेपी की समस्या, बीजेपी से समस्या भी है लोगों को, बहुत महंगाई बढ़ गई है। देखो महंगाई तो बढ़ रही है, वो उन्हें सुधारना चाहिए, इसी मुद्दे पे ये सत्ता पक्ष में आए थे कि हम महंगाई को कम करेंगे, लेकिन महंगाई इन लोगों ने जबरदस्त बढ़ा दी है। तो ये कैसे कम होगी, क्योंकि लोग तो सपोर्ट करते हैं, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं महंगाई। देखो सपोर्ट में लूट रहे हैं हम, ये लुटाई वाली बात है हमारी मोहब्बत में। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा नई पार्टी नजर आ रही है जिसको आप सपोर्ट करें? अन्य पार्टियां जो हैं वो ऐसी नहीं है जो हम उन्हें वोट देते, वो लूट खसोट वाले हैं। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी के अलावा एक चेहरा और भी सामने आ रहा है गुजरात के अंदर भी काफी जोरों शोरों में, आम आदमी पार्टी का, हो सकता है कुछ वो चेहरा? केजरीवाल? नहीं, असंभव असंभव असंभव, नथिंग। बहुत इत्तेफाक से पंजाब में भी आ गया। अच्छा, आने वाला शख्स नहीं है, आप ही हिसाब लगा लो कि पंजाब की क्या स्थिति, राज क्या है। अभी 4-5 साल पहले नाम आता उड़ता पंजाब, नशे में लिप्त है। बिल्कुल, अब वो असल हमारे यहाँ भी आने लगा। बिल्कुल, जिस घर में नशा बढ़ गया, बच्चे जीवन खराब, माँ बाप का जीवन खराब, हम कितनी डॉक्टरी इलाज करा लियो वो इलाज नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर मेरी जीभ पे लग गया, अपना जीवन बर्बाद कर रहे नशे से, वो हमारे यहाँ भी असर दिखने लगा है। तो क्या बीजेपी के आने से कांधला में भी क्या नशा वगैरह जो फैल रहा है वो बंद हो जाएगा? नहीं, अगर कोशिश करी जा बंद हो सकता है, अगर कोशिश करी जा, कोशिश नहीं हो रही। नरेश जी ने तो कहा था मैं जो बेचने वाले हैं उनके जो है नस्लों तक को बंद करवा दूंगा, वो कर दूंगा, वो करवा दे, उसी विश्वास पर वोट दी जा रही, उसी विश्वास पर लोग, उसी विश्वास पर। तो लोगों का एक मुस्लिम लोगों का एक डर है कि अगर हमने सपोर्ट कर दिया नरेश जी को, हाँ, और नरेश जी बन गए, हाँ, तो यहाँ पर एक माहौल ऐसा क्रिएट हो जाएगा जैसा और जगहों पे अफवाहें उड़ती रहती हैं, कुछ चैनल भी दिखाते रहते हैं, बढ़ा के दिखाते हैं छोटी छोटी चीजों को, हालांकि ऐसा होता भी नहीं है। देखो जी, तो ऐसा हो जाएगा यहाँ पर? इस बारे में तो मुस्लिम बाहुल्य में मैं रहता हूँ जी, मेरे मकान की दीवार और मुस्लिम वर्ग की दीवार एक है, कोई 40 साल से इस मकान में मैं रह रहा, 80 साल से मैं भी रह रहे, मुझे आज उन्होंने को डाला नहीं मारा, कोई वाद विवाद भी हो हिंदुस्तान में, अच्छी बुरी खबरें भी उठे जी, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, वो अपना काम में मस्से, मैं अपने काम में मस्से, तो सब सुकून से जीते। मेरे बच्चों को भी कोई झगड़ा नहीं हुआ पतंग पर कि पतंग लूट ली या बंदर डाला मार दिया क्यों मार दिया, कोई झगड़ा नहीं, आपस में वही मोहब्बत। मार्केट में भी जैसा मुस्लिम वही मोहब्बत, मुस्लिम जो मुस्लिम भी लाके जाएगा दुकान पे जाओ मेरे पास आना, मेरी 90% दुकानदारी मुस्लिम वर्ग से है, हिंदू वर्ग से नहीं है। अच्छा, अगर आप सुबह से सामने बैठोगे एक तो दो तो बुरके वाली नजर आवेगी, हिंदू नजर नहीं आएगी। अगर शायद ये ना हो
तो शायद मैं प्लान करना पड़ा। अगर मुस्लिम की अगर मुस्लिम ना हो अच्छा, तो बाजार में मार्केट में बीजेपी के लोग तो कहते हैं किराना कांधला से मुस्लिमों ने हिंदुओं ने यहाँ से जो प्लान किया है। देखो जी किराने की स्थिति में नहीं जान सकता, कांधला से भी सुनने में आता है कि किया लोगों ने प्लान, प्लान की स्थिति बनी थी यहाँ अच्छा, कोशिश की गई थी। देखो हर मजहब में जी, या हर वर्ग में हर जाति में जी, अच्छा आदमी और बुरा आदमी होता है। अब पूरी नदी में से हमने थोड़ी मिट्टी डाल दी, थोड़ा पानी दूषित होगा, पूरा नहीं होना। उसको चाहते हैं चंद लोग, उस चंद में शायद मैं भी आ सकता हूँ और अन्य वर्ग भी आ सकता है। ऐसा कोई नहीं जस्ता मुझे कोई हाँ इस काम को कर दे, गंदी सोच वाला कोई नहीं है। लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, सुनने में आता है कि जो आरएसएस समाज से बीजेपी जुड़ी हुई है, क्या आरएसएस समाज से बीजेपी का जुड़ना मुस्लिम्स को मुस्लिम को काटता है? देखो आरएसएस अपनी जगह काम कर रहा, अब मैं कहने लगू कि मुस्लिम वर्ग पे मैंने हमला किया, अब मुझे वे शब्द बोलने चाहिए और चैनल पे तो बोलने चाहिए जी जी। अगर हम इतिहास ठावे और इनका कत्ल इनके ही आदमी ने किया, मैंने थोड़ा किया जी, आरएसएस थोड़ा थे नहीं थी। हम लोग अपनी भावना गलत बना लेते हैं उस टाइम, ऐसी सोच अगर किसी की है निकाल देनी चाहिए। हिंदुस्तान से प्यारा चीज कोई नहीं है, अगर किसी को हिंदुस्तान प्यारा नहीं लग रहा वो दो दिन या आठ दिन दो महीने साल भर बाहर जाके देख लो, वो भी क्या भाई मैं घर जा रहा, ठीक है वहाँ कमाई तो है बाहर विदेशों में कमाई तो है, लेकिन जो सुकून और जो मानसिक ठंडकता में यहाँ मिल जाएगी कहीं और नहीं मिली, पूरे वर्ल्ड में नहीं मिली। और मेरा तो मानना ये भी है कि जो हिंदुस्तान के अंदर कांधला है, जो मानसिकता यहाँ की है, सुकून यहाँ है, मोहब्बत प्यार यहाँ है, शायद वो हिंदुस्तान में कहीं और ना, कहीं नहीं मिलना। मुझे ऐसा लगा है, महसूस किया कि अगर मैं भी आज बाहर जाने लगूं बच्चों के पास तो शायद मैं जिंदा वापस ना हूं, मर गया हूं। आपस में जो मेरा प्यार है हंसी मजाक का, गाली गलौज का, छेड़छाड़ का, वो कहीं मिलना नहीं। छोटा बच्चा भी साथ मेरे से मजाक करके चले, हंस के चलेगा, बोल के चलेगा, चाहे ताया जी कहो, चाहे अंकल जी कहो, चाहे कहो चौधरी जी, लेकिन वो मेरे से मजाक करके चलेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमने बात की है जैन साहब से, यहाँ से यहाँ पर इन्होंने सभी तरह के मुद्दों के बारे में बताया, हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो भी बताया, बीजेपी को किस तरह से यहाँ पर किसको टिकट देना चाहिए, कौन होगा यहाँ पर, वो सारी इन्होंने विश्लेषण दिए हैं, किसको सपोर्ट करते हैं वो भी बताया है, और किस तरह का चेयरमैन होना चाहिए वो भी बताया है इन्होंने। इन्होंने अपनी सारी बातें रखी और बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा जैन साहब से, और मैं अपने भी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, तो पूरा वीडियो को देखिएगा शुरू से आखिर तक, स्किप मत कीजिएगा, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखने वालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।